न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये जो चैप्टर हम करेंगे उसमें 100% जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड ही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी जर्नल एंट्री अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आपके लिए चैप्टर बच्चों वाला चैप्टर है। अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है, आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाते, तो ये चैप्टर आपका होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। तीन रूल हमारे जर्नल एंट्री के, ट्रेडिशनल के, और उसके अलावा फिर मॉडर्न अप्रोच है, और उसके अलावा फिर कंसेप्ट है। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जर्नल एंट्री बनाने के, उन्हीं तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है ये चैप्टर सबसे पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का? जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कई बार, इंसान ही तो है, अकाउंट्स में लिखने में गलती हो सकती है, हम कोई फिगर गलत लिख सकते हैं, हम कोई जर्नल एंट्री गलत बना सकते हैं, हम कोई नाम गलत भर सकते हैं, हम कोई साइट गलत भर सकते हैं, हजार तरीके की गलतियां हमसे हो सकती हैं। हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हमने बुक में कोई एंट्री गलत कर दी, उस समय हमें पता भी नहीं चला, 10 दिन बाद किसी वजह से हमें पता चल जाता है, हमें नोटिस हो जाता है कि वो जो जर्नल एंट्री 10 दिन पहले बनी थी वो गलत थी। अब हमारा क्या ये फ़र्ज नहीं है कि हम उस एंट्री को जब जान गए हैं कि गलत बनी थी ठीक कर दें, या गलत है तो गलत ही छोड़ दें? ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक कैसे करें? एक तरीका ठीक करने का क्या हो सकता है कि आपने जो एंट्री गलत बनाई थी उसके ऊपर पेपर पे फ्लूड लगा दें, और वहाँ पे उसके ऊपर एक नया नाम भर दें। दूसरा कोई बच्चा कह सकता है सर फ्लूड भी क्या लगाना, वैसे काट देते हैं और उसके ऊपर नया नाम भर देते हैं। कई बार मैंने देखा बच्चों को पेज फाड़ देते हैं, इतनी बार काटते हैं उससे कि पेज फट जाते हैं, और फिर दूसरा नाम वहाँ पे लिख देते हैं। अगर फट जाएगा तो टेप लगा के लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं बता दूं, ये जो तरीका है कि आपने पुरानी एंट्री के ऊपर फ्लूड लगा दिया या उसको काट दिया और उसके ऊपर अपने हाथ से नया नाम लिख दिया, ये एक्चुअल में समझदारी वाला तरीका नहीं है गलतियों को सुधारने का। सोचो, आज तो तुमने खुद अपने हाथ से फ्लूड लगाया, 4 दिन बाद कोई और, जैसे तुम किसी काम से बाहर गए, किसी ने कहा चलो मैं भी फ्लूड लगा देता हूँ, और फ्लूड लगा के उसने रकम बदल दी, तो कौन जिम्मेदार होगा? फ्लूड तो कोई भी लगा सकता है। और सोचो कल को कोई बाहर से एजेंसी आ जाए तुम्हारे अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, उनको डाउट लगे कि तुमने अपना शायद टैक्स ठीक से नहीं भरा है, इनकम टैक्स वाले, हमारे GST वाले, कोई भी आ सकता है ना इंस्पेक्शन करने के लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की, भैया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट हमें चेक कराओ, हम देखना चाहते हैं तुमने GST ठीक से भरा या नहीं भरा। और वहाँ पे 4 जगह पे फ्लूड लगा हुआ है। पहली बात तो और कहीं तो उसका ध्यान जाता है ना जाता, वो 4 जो फ्लूड है वहाँ पे तो उसका ध्यान सबसे पहले जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? और सबसे पहले वहाँ पे बड़े से गोले लगाएगा, भाई ये फ्लूड क्यों लगाया? तुमने पक्की बात कोई ना कोई टैक्स की चोरी की है, रकम तुमने बदली है, बिल बना था किसी और रकम का और तुमने उसको फ्लूड लगा के बदल दिया। हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे कोई चीटिंग की इंटेंशन नहीं थी, हमसे गलत अमाउंट लिखा गया था? फ्लूड लगाना सही नहीं है, इससे हमारे अकाउंट्स जो हैं वो और ज़्यादा रिलायबल नहीं रह जाते, और ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। इससे अच्छा तो गलती छोड़ दो, कम से कम उसकी नज़र में तो नहीं आएगी। आप फ्लूड लगा के उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो कि देखो यहाँ पे मेरी गलती हो गई। ये सही तरीका नहीं है गलतियों को ठीक करने का। फिर क्या सबसे सही तरीका है कि बिना नोटिस हुए हमारी गलतियां ठीक हो जाएं? अरे इतनी सारी जर्नल एंट्री बनाई है तुमने, 1000 एंट्री, 4 एंट्री गलत है, 4 जर्नल एंट्री और बना दो, छुप जाएंगी, जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री मिक्स हो जाएंगी, हाईलाइट नहीं होगी। आपका जो भी इफेक्ट गलत पड़ गया उसको ठीक करने के लिए एक जर्नल एंट्री और बना दो। तो हमसे अगर कोई एंट्री गलत बन गई तो हम उसके ऊपर ना पेन चलाएंगे, ना काटेंगे, ना फ्लू लगाएंगे। हाँ, गलती हुई है मानते हैं, उसको ठीक करने के अलग से एक एंट्री बना देंगे और एंट्री में एंट्री मिक्स हो जाती है, कोई भी आपको अलग से फ्लू लगाने की। सोचो बैंक में तुम्हारे किसी वजह से कोई पैसे कट गए और तुम कंप्लेन करते हो कि भैया जी हमारे तो 25 रुपये के बैंक चार्जेस आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, 2-2 बार लगा दिए। तो बैंक वाले अगर गलती मानते अपनी तो क्या करते हो? कहते भैया अपनी पासबुक लेकर आना, फ्लू लगा के ठीक कर देंगे। क्या करेंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम रिवर्स चार्ज कर देंगे। रिवर्स चार्ज का मतलब समझे, काटेंगे नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारा अकाउंट माइनस हुआ था, आगे 10 दिन बाद तुम्हारे अकाउंट में वो 25 रुपये फिर प्लस कर देंगे, एंट्री में एंट्री मिक्स हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, गलती का सुधार भी हो गया, तुम भी खुश, वो भी खुश, किसी की नज़र में भी नहीं आए। बात समझ में आ गई है? तो इसका अलावा अगर हमसे गलती हो गई है
तो उसको ठीक करने का बेस्ट वे क्या होगा, एक नई एंट्री बना के पुरानी मिस्टेक को ठीक कर देते हैं। लेकिन उस एंट्री के ऊपर पहुंचने के लिए जिससे कि गलती ठीक होगी, रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा होगा। टेढ़ा इसलिए होगा क्योंकि आप एक फ्रेश जनरल एंट्री बनाते हैं तो बात अलग होती है, एक क्यूई एंट्री को मॉडिफाई करना और उसमें गलती को ठीक करना, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, फिर हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा उसमें से कितनी एंट्री हमने ठीक बनाई और कितनी एंट्री गलत बनाई, और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि ठीक करने के लिए कितना काम करना ज़रूरी है। पूरा 100% करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि क्या हमारा वे होगा रेक्टिफिकेशन करने का। रेक्टिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा कि एक जर्नल एंट्री के पास हमें पहुंचना है, एक जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बिल्कुल जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही बनाई जाएगी, वही डेट रहेगी या सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF और डेबिट और बाद में क्रेडिट। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, ऊपर लिखेंगे क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि हमसे गलती क्या हुई। इसको समझाने के लिए कैसे गलतियों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं मान के चलता हूँ एक ट्रांजेक्शन तुम्हें देता हूँ। मैं कहता हूँ कैश पेड टू रवि ₹1000। कैश हमने किसको पेड किया? रवि को। रॉन्गली Entered in Raju's account. समझ में आ गया? Cash paid to Ravi, ये है करेक्ट वर्क। नाम काफी सिमिलर है, बहुत सिमिलर भी नहीं लेकिन थोड़ा तो सिमिलर है। जल्दबाजी में कई बार हम नाम में इतना ध्यान नहीं फर्क करते, और गलती से रवि की जगह कौन से के अकाउंट में एंट्री होगी? राजू के अकाउंट में, ये हमने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं इस काम को, अगर हम सही करें तो क्या एंट्री बनती है इसकी, क्या एंट्री बनती है? रवि अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट होता और ₹1000 से एंट्री बनाई जाती, ये होती इसकी करेक्ट एंट्री। और अगर मैं इसका इफेक्ट लूँ तो कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट आएगा? दो अकाउंट पर इफेक्ट आएगा। किस किस पे? एक तो रवि के अकाउंट में, दूसरा कैश के अकाउंट में। क्या राजू के अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा? नहीं, राजू के अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रवि को ₹1000 डेबिट होना चाहिए और कैश को ₹1000 क्रेडिट, यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मैं सही एंट्री करूँ तो ये इफेक्ट होना चाहिए, रवि डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर है सबको? अब एनालिसिस करते हैं रॉन्गली हमने इसके बदले में क्या कर दिया। हमने एंट्री ये बनाई नहीं, हमने गलती से एंट्री क्या बना दी? राजू को पेमेंट किया, तो हमसे लिखने में गलती होगी, हमने क्या लिख दिया? राजू टू कैश। अब जो एंट्री बनेगी वैसा ही अकाउंट इफेक्ट लिया जाएगा। आपने फिर अकाउंट बनाने शुरू किए, तीन अकाउंट इसमें बना देता हूँ, एक तो रवि, दूसरा इसमें कैश और तीसरा राजू। अब आपने जब नाम ही राजू का लिखा है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं होगा, रवि के अकाउंट में एंट्री नहीं की होगी। कहाँ पे किया होगा आपने? कैश को तो आपने क्रेडिट किया होगा और राजू को आपने उसकी बजाय क्या कर दिया होगा? डेबिट। क्लियर है? होना था ये, करके बैठे हैं। अब इसकी रेक्टिफिकेशन हमें करनी है। रेक्टिफिकेशन माने इस एंट्री को हमें चेंज करके ये जो भी इफेक्ट यहाँ पे हुए हैं उसको ऐसा करने कि ये वाला इफेक्ट बन जाए। रियलिटी है ये, चाहते हैं वो हो जाए। तो सबसे पहले हमें बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए कि उसके जैसा लुक आ जाए इसका। सबसे पहले तो रवि के अकाउंट में ₹1000 की एंट्री डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए क्योंकि रवि के अकाउंट में ₹1000 होना चाहिए था और यहाँ पे कितना आया रवि के अकाउंट में? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ₹1000 की एंट्री डालूंगा। ये मैंने नया काम किया, अभी काम किया, ये लिखते ही ये वाला काम तो कम से कम टैली होगा, ये हज़ार सेम हो गए। अच्छा, कैश तो पहले से ही सही है, क्रेडिट और क्रेडिट्स में कोई टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजू में भी गलती है, ये ₹1000 हमारी आंखों में अखरेगा क्योंकि सही अगर करते तो राजू के अकाउंट में कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आके बैठा हुआ है? ₹1000 आके बैठ गया डेबिट से। मैं क्या आना चाहिए था? नहीं,
राजू का अकाउंट नील बटन नील होना चाहिए था, लेकिन हमारे एंट्री जो हमने कर दी है उसकी वजह से राजू के अकाउंट में 1000 रुपये डेबिट बैठेगा। मिटाएंगे तो नहीं, लेकिन क्या कोई तरीका जिससे इसका इफेक्ट खत्म हो जाए? आप कहोगे सर अगर 1000 रुपये क्रेडिट कर दे तो ये बराबर हो जाएगा, अगली बार बैलेंस जीरो हो जाएगा इसका, इधर भी 1000 इधर भी 1000, तो एक तरह से कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है? तो बताइए मैंने करेक्ट करने के लिए गोलों में लिखे मैंने जो काम किया, किसे डेबिट किया और किसे क्रेडिट किया? किसे डेबिट किया? रवि को डेबिट किया, राजू को क्रेडिट किया, और कैश को तो टच भी नहीं किया। अरे कैश तो ठीक था, कैश तो एकदम ठीक था, उसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं इसी चीज को जर्नल एंट्री में शो कर दूंगा, भाई हमारी एंट्री क्या होगी, रवि का अकाउंट डेबिट होगा और राजू का अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड कैश टू रवि एंटर्ड इन राजूज अकाउंट। और सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे भाई, ये स्पेशल जर्नल एंट्री बन रही है और स्पेशल एनालिसिस के बाद बन रही है, इसके साथ एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा देंगे जो बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपको लगेगा कि ऑर्डिनरी एंट्री है। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड का ना अब इस गलती को सुधारा गया है, ये नॉर्मल एंट्री नहीं है बल्कि एक रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो देखने में तो बिल्कुल सिमिलर लगेगी लेकिन नरेशन पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। क्लियर है? इसमें तो काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा सही एंट्री क्या हुई, फिर देखना पड़ेगा गलत एंट्री क्या हुई, फिर क्या कोई अकाउंट सही है, क्या अकाउंट कोई गलत है। खैर इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। पहले मैंने लॉन्ग तरीके से उसमें पूरा प्रॉपर्टी शो कर दी क्या होता है, गलती का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे ठीक कैसे करते हैं। अब ये आसान तरीका क्या होगा कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्री से ही पता चल जाएगा कि कौन सा नाम रेक्टिफिकेशन में यूज होना चाहिए। देखो मैंने दो एंट्री बना दी है, कौन कौन सी, ये करेक्ट और एक रॉन्ग, दोनों बना दिए। यहीं से अकाउंट खोल के देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से ऑब्जर्व करो, देखो क्या कोई नाम ऐसा है जो बिल्कुल सही है, दिख रहा है? रॉन्ग एंट्री में भी, सॉरी करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट है, इवन रॉन्ग एंट्री में भी कैश को तो क्रेडिट किया गया, मतलब इसको तो टच करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो मैं जिस अकाउंट पे मुझे ध्यान नहीं देना उसको सबसे पहले इग्नोर करने के लिए मैं ये लाइन डाल देता हूँ, मैंने काटा नहीं है, इग्नोर करना है। कटता तो अकाउंट में डेबिट को क्रेडिट है, अगर कभी डेबिट को काटना तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, और क्रेडिट को काटना हो तो डेबिट। मैंने काटा नहीं, मुझे इग्नोर करना है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, कर दिया इग्नोर। और कुछ है कॉमन, एक नाम तो कॉमन मिल गया कैश, साइड भी सही थी अमाउंट भी सही, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, भाई तू एकदम ठीक है, तेरे को यहाँ पे इस एंट्री में जगह नहीं मिलेगी, ये एंट्री रेक्टिफाई है, इसमें सिर्फ गलत नामों को जगह मिलेगी, गलत का मतलब वो टैली नहीं करेगा नाम, कैश टैली कर गया उसे रेक्टिफिकेशन में नहीं भरेंगे। कौन कौन टैली नहीं कर रहा, रवि का नाम एक तरफ है दूसरी तरफ है नहीं, टैली नहीं कर रहा, और राजू का नाम भी एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, वो भी टैली नहीं कर रहा, तो यही दो नाम हमारी फाइनल जर्नल एंट्री में जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कौन नाम इसमें सही है और कौन नाम इसमें गलत है? रवि सही है, राजू गलत है। भाई जो सही है जहां बैठा है उसे वही सीट दे दो, कहां बैठे, डेबिट में बैठे कि क्रेडिट में? तो भाई रवि तू सही है, तू जहां है वहीं तू रहेगा, और वो डेबिट में है तो देखो डेबिट में ही रहेगा, और उसकी गद्दी पे किसको बैठा दिया था हमने, उसको उतारो उसकी गद्दी से, और उतारने का मतलब क्या, जहां वो बैठा है उसकी साइड चेंज कर दो, कहां बैठा है वो फिलहाल, तो भाई तुझे क्रेडिट में जाना पड़ेगा, और यहां पे कहां पहुंच जाएगा वो, क्रेडिट साइड में, और हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, रवि अकाउंट डेबिट टू राजू। तो आपको अकाउंट बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जर्नल एंट्री देख के ही बता सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में कौन कौन से नाम आएंगे। एग्जाम में ये सारी चीज़ें रफ हैं, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे जो तुमने फाइनल जवाब दिया, और फाइनल जवाब है ये, बिल्कुल वैसे जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती थी तब भी हमारा एक फेयर क्वेश्चन होता था, अपनी हेल्प के लिए अलग से वर्किंग कर लेते कहाँ कैश बुक में बढ़ोतरी हुई है कहाँ कमी हुई है, उसके मार्क्स नहीं होते, मार्क्स होते हैं जो फाइनल जवाब के, सॉल्यूशन इतना है, मार्क्स सिर्फ यहां जो आपने लिखा उसके, थोड़े टाइम में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इवन ये वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ जर्नल एंट्री देख के ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सही हुआ होगा और कौन गलत हुआ होगा, और बिना इस वर्किंग के भी राइट डायरेक्टली क्या बनाई जा सकती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई जा सकती है।
ठीक है बस में आ गई, क्या करना है, लेकिन इसमें आपका काम थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना सीधा नहीं होगा, थोड़े गड्ढों से होते निकलेगा। सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री की नॉलेज होना जरूरी है। गलती का सुधार बिना ये जाने कि सही एंट्री कर पाओगे? खुद को तो हमें पता नहीं सही एंट्री क्या होती है, हम दूसरे की गलतियों को ठीक करेंगे, इससे ज़्यादा मन का वहम कुछ और हो ही नहीं सकता। दूसरे की गलती निकालने के लिए खुद की एंट्री पहले सही होनी जरूरी है। आपको पता ही नहीं सही एंट्री क्या होती है तो दूसरे की कैसे गलती को तुम ठीक कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें हर एंट्री रेक्टिफाई करने से पहले 100% अपनी सही एंट्री कन्फर्म होनी चाहिए कि सही एंट्री क्या बनती। अगर तुम्हें सही एंट्री नहीं पता तो रेक्टिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनानी है, सही एंट्री रफ में बनानी है, ये हमारा जवाब नहीं होगा। फिर हम देखेंगे उसने जो बात बोली है उससे मतलब निकालेंगे कि आखिर उसमें क्या गलत एंट्री बनी, कौन सा नाम अदला बदली हो गया। नाम अदला बदली हो गया होगा तो एक नाम अदला बदली हो गया, हमने उसके बेसिस पे क्या बना दी, अपनी रॉन्ग एंट्री। जब दोनों एंट्री हमारे सामने आ गई तो हमने देखा कुछ ऐसा है जो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें कोई गलती नहीं है, उसको इग्नोर कर देंगे, और जो भी अनकॉमन होगा बस उसी को लेकर हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई जाएगी। सही नाम है जहाँ बैठा है वहीं पे बैठे रहने देंगे, और जो रॉन्ग नाम है उसकी सीट बदल देंगे, डेबिट से क्रेडिट में और क्रेडिट से डेबिट में ले आएंगे। बस इतना सा काम आपको करना है और आपके सामने एग्ज़ाम की फाइनल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। समझाने के लिए अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर आपके नोट्स से ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ इसमें सबसे पहला वो है क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 1 अब हम करेंगे, समझने के लिए कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया जाता है। उसके लिए फाइनल जवाब जो हमारा रहेगा उसमें तो जर्नल एंट्री बनेगी, लेकिन उससे पहले हमें बनानी पड़ेगी दो जर्नल एंट्री अलग से, एक करेक्ट और एक रॉन्ग। 99% जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट में करेक्ट एंट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी, और जो बाद में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रॉन्ग एंट्री की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को पढ़कर क्या लिखेंगे, अपनी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर सेकंड पार्ट के बेसिस पे निकालेंगे अपनी रॉन्ग एंट्री, और फिर एनालिसिस करने के बाद जवाब देंगे फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13 ए एडजस्टमेंट में लिखा है ए सम ऑफ ₹2,500 पेड बाय वे ऑफ रेंट। हमने ₹2,500 की पेमेंट रेंट के लिए की थी, इतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि क्या इवेंट हुआ था, क्या इवेंट हुआ था, रेंट की पेमेंट की गई है। और अगर रेंट की पेमेंट की गई है तो इसकी एंट्री में रेंट का नाम ज़रूर आना चाहिए, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। और इस काम की ए एडजस्टमेंट की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितना रेंट हमने पे किया, 2,500, क्लियर है। अब देखते हैं हमारे अकाउंटेंट ने, जिसे हमने अकाउंटेंट का काम दिया था, उसने इसके बदले में क्या कर दिया। अब सेकंड पार्ट शुरू होता है, हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। हमारे अकाउंटेंट ने इस एंट्री में लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। कहां लिखा है डेबिट हो गया, साफ साफ लिखा हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। अरे लैंडलॉर्ड को पैसे ही दे रहे हम, लेकिन रीजन को प्रेफरेंस मिलती है, रीजन को इंपॉर्टेंस मिलती है, तो हमें लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है हमने किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड। तो हमारे अकाउंटेंट ने रेंट की बजाय क्या लिख दिया होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500। नहीं, दोनों एंट्री हमने बना दी है, सही एंट्री जो होनी चाहिए थी वो भी, और रॉन्ग एंट्री जो हो गई है वो भी। और रॉन्ग एंट्री को देख के पता चल रहा है कि रॉन्ग एंट्री 100% रॉन्ग नहीं है, एक नाम ऐसे जो कॉमन हमें मिल गया है और उसका अमाउंट और उसकी साइड एकदम सही है, कौन सा अकाउंट, कैश। तो मैं कैश को इग्नोर करने वाला हूँ, मैंने कैश को यहाँ से हटा लिया, कैश का नाम हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि ये सही है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया। अब बचे हुए दो नाम, जो नाम मैच नहीं करेंगे वही रेक्टिफिकेशन एंट्री में जाएंगे। दोनों नाम अब रेक्टिफिकेशन की एंट्री में जाने वाले हैं, रेंट भी जाने वाला है और लैंडलॉर्ड भी। बस हमें ये डिसाइड करना है कौन इसमें सही है और कौन है इसमें गलत। जो सही है वो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने देंगे, और कौन है सही इसमें, रेंट, और रेंट तो डेबिट साइड में बैठा हुआ है। तो ए एडजस्टमेंट लिखिए जी, रेंट अकाउंट डेबिट ही होगा, कितने से, 2,500 से, और क्रेडिट साइड जो भी रॉन्ग नेम है
उसकी गद्दी बदल देंगे, उसकी सीट बदल देंगे। अगर वो डेबिट में बैठा है तो उसे क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट में बैठा है तो उसे डेबिट में। और देखो ये है लैंडलॉर्ड जो टैली नहीं किया और डेबिट में बैठा है, तो अब कहाँ पे बैठाएंगे उसे? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट ₹2,500। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग पेड रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखना है? नाउ रेक्टिफाइड, हमने इस गलती का सुधार अब कर दिया। ये नॉर्मल एंट्री नहीं बन रही है बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। क्लियर है? एग्जाम में ये शो नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ वो शो करना है। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्नीचर सोल्ड ₹1,800, बस काफ़ी है जानने के लिए कि क्या इवेंट हुआ था। फर्नीचर बेचा था 1,800 का। बताइए अगर मैं फर्नीचर बेचूं तो क्या एंट्री बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होना चाहिए। कैश मिलेगा और फर्नीचर मेरे पास से जाएगा 1,800। ये है करेक्ट एंट्री जो मैंने अभी पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, हाफ से ही पता चल गया क्या इवेंट हुआ था। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या कर दिया। हैज़ बिन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, क्या मतलब हुआ? हमारे अकाउंटेंट ने इसे सेल्स के अकाउंट में चढ़ा दिया। भैया फर्नीचर में, मशीन में, बिल्डिंग में और सेल्स में फ़र्क होता है। सेल्स तो गुड्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, फर्नीचर के लिए नहीं। अकाउंटेंट ने गलती कर दी, उसने एंट्री तो बनाई है और कैश तो डेबिट ही क्या होगा, सेल्स भी अगर होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स भर दिया उसने। 1,800 रुपये की एंट्री तो बनी है लेकिन उसने फर्नीचर का नाम ना लिख के उसकी जगह सेल्स का नाम लिख दिया, जो कि गलत है। गुड्स और फर्नीचर में फ़र्क है। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई। अब हमें पता चल गया गलती हो गई तो रेक्टिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला काम दोनों जनरल एंट्री बनने के बाद कॉमन नेम को आइडेंटिफाई करना है। क्या कॉमन है? हाँ जी कैश है। कैश कॉमन है, डेबिट में 1,800, डेबिट में 1,800, इसे इग्नोर कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल की एंट्री में। कटते नहीं है ये, इग्नोर करना है। कटता हमेशा डेबिट और क्रेडिट है, मुझे चाहिए नहीं इस समय कैश। ठीक है, एकदम बचे रह गए वो नाम जो कि कॉमन नहीं है, अनकॉमन। अनकॉमन सारे के सारे नाम उस जनरल एंट्री में जाने वाले जो फाइनल हम करने वाले। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सही है कौन गलत है। फर्नीचर सही है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने देंगे, और ये कहाँ बैठा है? क्रेडिट साइड में, तो इसे तो क्रेडिट में ही छोड़ेंगे। लेकिन ये जो सेल्स है ये रॉन्ग है और इसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। फिलहाल कहाँ पे बैठा है? ये क्रेडिट में, और अगर गद्दी छोड़े तो कहाँ पे पहुँच जाएगा? डेबिट में। मुझे पहले हमेशा वो वाला नाम लिखना होता है जो डेबिट होगा, और मुझे पता चल गया कि सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 1,800 से। और क्रेडिट में तो ये बैठा ही है, एसडी ले आएंगे इसे टू फर्नीचर अकाउंट ₹1,800। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड फर्नीचर एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, हमने अब इस गलती का सुधार कर डाला। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एंट्री में सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता, सेल्स हमारी इनकम होता है और क्या होता है? क्रेडिट। गलती का सुधार कर रहे हैं इसलिए सेल्स डेबिट भी हो सकता है, गलती में तो कोई भी डेबिट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली एंट्री। सी एडजस्टमेंट, सी एडजस्टमेंट लिखा है एन अमाउंट ऑफ 1,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। 1,000 रुपये प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले थे। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया क्या इवेंट हुआ, पर्सनल यूज का इवेंट है, और पर्सनल यूज को तो ड्राइंग पुकारते हैं। तो हमें क्या एंट्री बनानी चाहिए इस काम की? हमें एंट्री बनानी चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1,000। क्लियर है? अब पढ़ते हैं क्या हो गया गलत। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, हमारा अकाउंटेंट ज्यादा चलाकी कर रहा है, उसने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस शो कर दिया। ये तो गलत बात है, पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल होते हैं, बिजनेस एक्सपेंस बिजनेस होते हैं। उसने क्या शो कर दिया इसे? ट्रेड एक्सपेंस। तो एंट्री तो बनी है लेकिन इस एंट्री के बजाय कौन सी एंट्री बन गई है? ट्रेड एक्सपेंस शो हो गया ये, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। चलाकी कर रहे हैं भैया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है जो ट्रेड एक्सपेंस तुम पुकार रहे हो, बट बन गई है तो एंट्री बन गई है। चलो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या कुछ ऐसा है जो कॉमन है और टैली कर रहा है। हाँ जी कैश कॉमन है और टैली भी कर रहा है, इसे फिर हमें इग्नोर करना होगा, इसको हम रेक्टिफिकेशन की एंट्री में नहीं लिखेंगे। जो बचे रह गए नाम वो बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहे हैं, कॉमन नहीं है, और वही नाम रेक्टिफिकेशन एंट्री में चले जाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग्स, ये सही है नाम,
जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने दो, और ये डेबिट में बैठा है और डेबिट वाला नाम ही पहले लिखते, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रुपीज 1000। अब ये क्रेडिट वाला नाम, ये ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में बैठा है और ये गलत होकर डेबिट में बैठा है, तो इसकी गद्दी छीन ली जाएगी। डेबिट से कहाँ पहुँचा देंगे इसे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट रुपीज 1000, और नरेश में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस नाउ रेक्टिफाइड, या करेक्टेड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डी एंट्री। डी एंट्री में क्या लिखा है, रुपीज 90 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द रूम, 90 रुपये हमारे खर्च हुए थे फ्लोर की रिपेयर कराने में, इतना काफ़ी है करेक्ट काम को करने के लिए। पूरा सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बताइए रिपेयर कराने में 90 रुपीज खर्च हुए तो क्या एंट्री होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 90 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या कर दिया। अकाउंटेंट हमारा बड़ा होनहार, उसने लिख दिया चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। भैया रिपेयर की जगह उसने कौन सा खाता खोल दिया, बिल्डिंग। उसने कहा जी रिपेयर नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे पैसा खर्च हुआ तो बिल्डिंग अकाउंट। भैया गलत बात है, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग होती है, पुरानी रिपेयर के लिए रिपेयर होता है। तो बताइए अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बना दी उसकी, उसने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90। क्लियर है? एंट्री तो रॉन्ग बन गई है, लेकिन फिर भी 100% रॉन्ग नहीं है। एक नाम ऐसा है जो बिल्कुल टैली कर रहा है, मैच कर रहा है कैश, और हम उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है। बचे रह गए दो नाम जो टैली नहीं करें, और दोनों के दोनों नाम चले जाएंगे हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री में, डी एंट्री में। सबसे पहला नाम रिपेयर का, और ये सही एंट्री में है, अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, जहां है वहीं रहेगा, और कहां रहेगा वो डेबिट साइड में, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 90 रुपीस। और दूसरा नाम उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, बिल्डिंग रॉन्ग है, और डेबिट में तो कहाँ जाना चाहिए अब फिलहाल, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, और नरेश में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर रिपेयर्स डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट नाउ करेक्टेड या रेक्टिफाइड। और इस क्वेश्चन की अब आखिरी एंट्री ई एंट्री है, गुड्स वर्थ रुपीज 300 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, 300 रुपीज का गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया। भाई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया ये तो, और अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ कर से क्या नाम देते हैं हम, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की एंट्री बननी चाहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे पता है एंट्री होनी चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स निकाला, गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज अकाउंट, कितने का 300। क्लियर है? अच्छा अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया। अकाउंटेंट बहुत ही होनहार है, इस बार तो उसने कुछ किया ही नहीं, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। उसको शायद समझ नहीं आई कि बिजनेस और बिजनेसमैन के अंदर भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। लीगल एंटिटी या हमारी अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस और बिजनेसमैन की अलग अलग होती है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा घर की बात है, कोई एंट्री करने की आवश्यकता क्या है, उसने कोई भी एंट्री नहीं बनाई। सिर्फ करेक्ट एंट्री हमारे पास बन पाई रॉन्ग एंट्री के नाम पे, नील बटा नील, कुछ भी नहीं किया उसने, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अच्छा बताइए अगर रॉन्ग एंट्री नहीं बनी तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो गया? जब रॉन्ग एंट्री नहीं बनी तो सिर्फ करेक्ट एंट्री बना दो, रेक्टिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। भाई गलती तो कहीं कुछ हुई नहीं ना, एक एंट्री मिस हो गई एक तरह से, तो जो एंट्री मिस होगी उसको एज इज कर दो, और आप अगर चेक करोगे पता चलेगा कुछ टैली हुई नहीं हो पा रहा, दोनों के दोनों नाम सही हैं और दोनों के दोनों अपनी गद्दी छोड़ेंगे भी नहीं, तो क्या ये एंट्री एज इट इज ही रेक्टिफिकेशन में नहीं चली जाएगी? तुमने एंट्री मिस की थी, एंट्री बनवा देते हैं। क्या एंट्री मिस हो गई थी हमसे, हमारी एंट्री मिस हो गई थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी आपकी एंट्री मिस हो जाएगी तो कोई भी रेक्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको मिसिंग एंट्री दोबारा से करके दिखानी पड़ेगी। और नरेश में लेकिन लिखेंगे क्या, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स नाउ
रेक्टिफाइड, जबकि हम इसमें कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो एंट्री, बट इवन देन है तो रेक्टिफिकेशन, 10 दिन पहले निकाला होगा उसने सामान और हम एंट्री 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो है ये रेक्टिफिकेशन एंट्री और आपको लिखना पड़ेगा नाउ रेक्टिफाइड, जबकि बिल्कुल करेक्ट एंट्री की कॉपी है। क्लियर है? कंप्लीट है क्वेश्चन।